केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स की पूरी टीम मौजूद है बांका जिले के खरंदा जोठा पंचायत से। लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं, आपको यहाँ की समस्याएं भी दिखा रहे हैं, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक है, कौन कौन प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में हमारे साथ जिला पंचायत समिति के लिए एक प्रत्याशी हैं जो कि भावी प्रत्याशी हैं, ये अपने गांव से खड़े होने वाले पहले ऐसे प्रत्याशी हैं। इनसे पहले इनके गांव का कोई भी सदस्य चुनाव के लिए नहीं खड़ा हुआ था इस पोस्ट के लिए। विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खरंदा जोठा पंचायत से कोठिया गांव से पहली बार कोई प्रतिनिधि उस गांव से उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है जो कि हम हैं। मैं बहुत सारी समस्या को लेकर अवगत हुआ, जैसे हमारे गांव में अभी भी आप लोग चल सकते हैं, देख सकते हैं, सड़क है परंतु वहां नाला नहीं रहने के कारण उस सड़क पर पानी बह रहा है जिससे कि वो सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और नल जल का समस्या है जो कि हम जान रहे हैं, नीतीश कुमार नल जल दे चुके हैं लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए कोई कर्मी नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बाकी समस्या रही जैसे गली कच्ची थी बहुत पहले, उसे पक्की करना चाहिए, ये सब सारा बहुत समस्या है। हम लगातार लोगों से भी बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि कहाँ पे पक्की सड़क है, कहाँ कच्ची सड़क है, कहाँ नाली है। लेकिन ऐसे में देखिए, जब चुनाव आता है वादे लोग करते हैं भर भर के, जब जीत जाते हैं तो 5 साल दूर लापता हो जाते हैं अपने क्षेत्र से, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसे में आप इन्हीं लोगों के बीच के एक आदमी हैं, आप इंसान हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आपको जनता से उतना प्यार मिलेगा? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ के जनता को, खरंदा पंचायत के जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हम तो अगर जीत के भी आए तो हम आपके स्थान पर ब्लॉक के बगल में बैठे हुए हैं। कोई भी समस्या लेके आए, डायरेक्ट कोई भी संबंधित ब्लॉक का समस्या हो, कोई भी संबंधित समस्या हो, हम तो आपके ब्लॉक के जस्ट बगल में बैठे हैं। आप आइए एक बार, मुझे विकास दीजिए और देखिए कैसे विकास करते हैं। सही बात है। देखिए, हमारे संविधान की खूबसूरती ही ऐसी है कि एक आम इंसान भी अगर बदलाव चाहे तो वो बदलाव ला सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो जनप्रतिनिधि बन सकता है। और ऐसे में विकास जी ने ठाना है कि वो अपने समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा जिस जो भी समस्याएं इनके गांव की रही है, इनके पंचायत के अंदर की रही है, उन सभी पे ये काम करेंगे। लेकिन ऐसे में आपने समस्याओं की तो बात कर ली है, लेकिन उसका निदान कैसे निकलेगा? क्योंकि आपके जीतने से जो आपके अंदर और जो लोग हैं, जो अफसर हैं, जो कर्मचारी, वो तो नहीं बदल जाएंगे, तो उनसे आप कैसे काम निकाल पाएगा, कैसे आप जनता को 100% काम दे पाइएगा? बिल्कुल, कोई भी जनता निश्चित रहे सरकार के लिए, अगर कोई भी काम हो, ऐसा कोई पंचायत में कोई भी काम हो, कोई प्रतिनिधि का काम हो या कोई भी समस्या हो, क्यों नहीं करेगा? कोई भी तो कारण होगा, उसे बताना पड़ेगा क्यों नहीं करेंगे। कोई भी तानाशाह नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम जी नहीं चलेगी, क्योंकि हम भी यहीं पे बैठे हुए हैं। अगर आपको काम मिला है तो आप भी काम कीजिए। इस ऐसे प्रकार जैसे कि आप यहाँ से ये नहीं सुनेंगे तो मुझे पटना जाना पड़ेगा, केंद्र और कहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। आप क्यों नहीं काम करेंगे जनता के लिए, तो आप आइए। विकास ने ठान रखा है कि विकास तो करके रहेंगे। नीरज, माफ कीजिएगा विकास, इतनी बार हम विकास में बात कर रहे हैं कि मुझे नाम भी विकास जैसा लग रहा है। नीरज कुमार सिंह इनका पूरा नाम है। देखिए, नीरज जी ने ये चीज तो ध्यान रखा है कि इनको विकास करना है, चाहे इसके लिए इनको किसी भी स्तर पे जाना पड़े, जाके काम करेंगे। लेकिन आप बात जनता की करते हैं कि जनता क्या आपको उतना भरोसा भी दिखा सकती है, क्या आपको चुन सकती है? ऐसे में आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्या लगता है चुनावी माहौल क्या है आपके पंचायत का? बहुत अच्छा है, जैसे कि पहले बार भी कोरोना के कारण रुक गई थी, उसी समय से मेहनत करते हुए आ रहे थे, बट कोरोना के चलते जो भी समस्या पैदा हुई, फिर आखिरकार ये समय मिला है। इसमें हम लोग अपना टाइम देखते हुए हर जनता से जाके हर चीज़ से वाकिफ हो रहे हैं और सारा जनता का समस्या हमको यही खोलेंगे। आप कोई भी काम के लिए प्रखंड आएंगे, कागज पत्थर लेके आएंगे, यहाँ आएंगे तो आपके बगल में है, हर कार्यक्रम दिल से करेंगे जी। नीरज जी अपने इरादों से बहुत मजबूत दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो यहाँ की पंचायत
आखिर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, किसको जिला पंचायत समिति सदस्य चुनती है। लेकिन ऐसे में नीरज जी जिस तरीके से अपनी जनता को संबोधन दे रहे हैं, अपनी जनता के लिए एक मैसेज दिए हैं कि अगर वो उनको चुनते हैं तो बीच में जितनी भी रुकावटें होंगी काम में वो रुकावट को दूर करेंगे ताकि विकास हो सके। ऐसे में देखना ये होगा कि घरौंदा जोठा पंचायत की जो जनता है वो किसको चुनती है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।